नमस्कार दोस्तों, तो न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फंड्स कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने सजेस्टेड हैं, कितने मैंडेटरी हैं, कितने मिनिमम हैं, कितने मैक्सिमम हैं अगर आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने जा रहे हो। सो बेसिकली जो बात क्या है कि हम जो फंड शो करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू पर्पस शो करते हैं कि आपका लाइक 10 दिन का पर्पस है तो उसके अकॉर्डिंगली, आपका 20 दिन का पर्पस है उसके अकॉर्डिंगली। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई एम पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। आपको इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही हेल्पफुल जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है रेगुलरली देखने को मिल जाएंगे। तो सिमिलरली लाइक दिस, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी चेक कर सकते हो। सो बात करते हैं न्यूजीलैंड का। सो न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आपने अप्लाई कर रखा है या फिर आप सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए, और आप कंसर्न हो कि हाउ मच फंड यू शुड हैव इन योर बैंक अकाउंट फॉर न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है जी, विजिटर वीज़ा। तो इसमें बात क्या है कि पर्पस के अकॉर्डिंगली हम फंड्स देखते हैं। अगर तो आप वहाँ पे किसी को कोई नोन है, आपका सिटीजन है या फिर PR है या फिर स्टूडेंट है, वो आपको इनविटेशन लेटर है जो भेज रहा है मिलने के लिए। ठीक है, तो इनविटेशन लेटर पे मेंशन होता है, अगर तो सिटीजन है वो कह सकता है कि मैं खुद इसका सारा खर्चा करूँगा। ठीक है, तो उसके अकाउंट में फंड्स अच्छे होने चाहिए जो न्यूजीलैंड का सिटीजन है या फिर PR है, होल्डर है। ठीक है, अगर तो स्टूडेंट है वहाँ पे, ठीक है, देन हम वहाँ पे इनविटेशन लेटर जो आता है वहाँ पे लिखते हैं कि जो खर्चा है वो जो एप्लीकेंट आ रहा है न्यूजीलैंड में वो खुद करेगा। राइट, पहली बात तो ये होगी। सेकेंडली बात, ज़्यादातर एप्लीकेशन कहाँ पे लगती हैं, होटल बुकिंग पे। ठीक है जी, होटल बुकिंग पे हाउ मच फंड शुड बी शो। ठीक है, तो लाइक हम पर्पस डाल रहे हैं हमारा 15 दिन का। पहले मैं आपको ना एक्सपीरियंस बताऊँगा अपना कि जो मेरे साथ रिफ्यूज केसेस डिस्कस हुए हैं उनमें मैंने क्या नाकामी देखी है फंड्स की रेलिवेंट में। तो रिसेंटली मेरे पास एक एप्लीकेंट था, उसने अपनी FIL जो रिफ्यूज़ केस मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि जी मैं था और मेरी वाइफ थी, ठीक है जी, बच्चे चलो इंडिया में ही थे, और हमने न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था किसी और इमिग्रेशन से, और वो बोल रहे थे कि जी उन्होंने तो हमें कहा था कि 2.5-3 लाख शो कर दो, सफिशेंट है। तो मैंने बोला कि ओके चलो ठीक है। तो मैंने उनको एक समझाया कि फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू न्यूजीलैंड, राइट, आप उनका पर्पस भी 20 दिन का था, तो आप 20 दिन के लिए वहाँ पे जा रहे हो कि आप पहले तो ये देखो कि आपकी जो जाने की टिकट और आने की टिकट नियर अबाउट ऑलमोस्ट 80,000 के नियर बाय है, नियर बाउ है, तो आप लगा के चलो कि 3-3.5 लाख के अराउंड तो आपकी टिकट्स जाने की और आने की होगी। राइट, उसके बाद आप 20 दिन वहाँ पे रहोगे भी, होटल्स का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ठीक है, कोई हम जब बजट बनाते हैं आपकी शॉपिंग का खर्चा, ठीक है, आपका घूमने का खर्चा, तो वो खर्चा कहाँ पे, कम से कम 3 लाख खर्चा बोल लगा लो। राइट, तो आपका अराउंड 5-6 लाख 20 दिन का खर्चा है 2 जनों का, और यू आर शोइंग ओनली 2.5-3 लाख पे। तो वहाँ पे वीज़ा अफसर को एक बहुत ही अच्छा रीज़न मिल गया फाइनेंशियल पे उसको रिजेक्ट करने का। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका 5-6 लाख का आपका खर्चा है और आप 5-6 लाख ही शो करो। ये थोड़ी है कि वीज़ा अफसर को ये कहेंगे कि मैंने जी देखो 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 10 सालों में मैंने मेरे पास 5-6 लाख जुड़े हैं, और ये मैं जो न्यूजीलैंड है 10 दिन में मैं ये सारे के सारे खर्च दूंगा। तो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। ठीक है जी, ऐसा नहीं करना है कि हम हमारी 10 साल की जमा पूंजी हम 10 दिन में खर्च देंगे। वहाँ पे क्या करना है कि अगर आप पहले तो जो पर्पस है आपका होटल बुकिंग जो भी कर रहे हो आप 10 दिन का डालो, ठीक है जी, कम करो उसको, चाहे हम वीज़ा जितने भी टाइम का है बट उसको पर्पस को कम करो। फिर पर्पस अगर आपका 10 दिन का, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने कंसल्टेंट को कहो कि थोड़ा सा हार्ड वर्क हो करो, इस पर बजट बना के दो वीज़ा अफसर को कि आपका कितना खर्चा आएगा और हाउ मच फंड यू आर करंटली हैव। ठीक है, तो अगर आप दो लोग जा रहे हो देन 10-15 लाख के बीच में फंड शो करो। उसको कह देंगे कि मेरे पास अगर 10 लाख है और मेरा 5 लाख खर्चा रहा है, देन इट मीन्स कि मैं 50% इस जो मेरा ड्रीम है घूमने का खर्चूंगा, रेस्ट मनी आई हैव। ठीक है जी, ये ऐसा बजट बनना चाहिए, तब वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे जाके थोड़ा सा इंप्रेस होता है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो कि लाइक 2.5-3 लाख फंड शो कर दिया, ये तो जस्ट एक लाइक के सट्टा खेल रहे हो कि हो गया अप्रूव हो गया, नहीं तो बस फिर रिजेक्शन ही है। तो वीज़ा एप्लीकेशन अगर आप कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, एम्बेसी फीस भर रहे हो, अपनी कंसल्टेंट की फीस भर रहे हो, तो थोड़ी सी खुद की भी इंटरफेरेंस लेकर आओ। चेक करो कि कोई कंसल्टेंट आपकी एप्लीकेशन में मिस्टेक तो नहीं कर रहा। उसको कहो कि लॉन्च करने से पहले मुझे सारी मेरी एप्लीकेशन पढ़ाओ। कवर लेटर तो चलो हो ही जाता है, बहुत ज़रूरी है, बट ये टॉपिक ही हमारा फंड्स के रिलेटेड है। तो आई होप कि अब तक तो आपको समझ भी आ गया होगा कि फंड्स करने कितने शो हैं। तो ये चीज़ें
वीजा ऑफिसर को जब हम कन्विंस करते हैं ना, उसमें हेल्प होती है। बेसिकली क्या है कि हमने वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना है कि यार मुझे वीजा दे, मैंने घूमने जाना है, ठीक है। तो वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए, ठीक है, हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि वो फॉरन लोग हैं, वो एक सिस्टमेटिकली चलते हैं, आपको पता है। बट हम थोड़ा सा इतना सिस्टमेटिकली नहीं चलते, बट वो सिस्टमेटिकली चलते हैं, वो बजट बनाते हैं। अगर कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तो उसका भी बजट बनाते हैं कि मेरा इतना खर्च आएगा, ठीक है। वो सो उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा अगर हमने उनके देश का वीजा लेना, राइट। तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। सो आपने अपने कंसल्टेंट के साथ, जहाँ से भी भरोसा आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो, उसको पहले कहना है कि डू दिस थिंग, ठीक है, ये बजट बनाओ, ये इंडेक्स बनाओ, मेरे पास इतना पैसा है, ये सारी चीज़ें ऐड आउट करो, देन मेरी एप्लीकेशन लॉन्च करो। विदाउट दिट कि मेरी एप्लीकेशन लॉन्च मत करो, ठीक है जी। चाहे वो कितना भी कहें कि आपका वीज़ा आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट दिस इज मैंडेटरी थिंग, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी हेल्पफुल नॉलेज मिली होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इस पर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलरली प्रोवाइड करता हूँ। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल भी आपने फॉलो और सब्सक्राइब करना है, आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। सत श्री अकाल।